तो भाई ये है होंडा की न्यूली लॉन्च CB350 का डीलक्स वाला मॉडल, बेस मॉडल। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, पहला इसकी जो हेडलाइट है वो चौड़ी हो चुकी है, सस्पेंशन के ऊपर में आपको कवर मिल जाते हैं, आगे वाला जो मडगार्ड है वो बुलेट बाइक की तरह काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, डुअल चैनल आपको ABS मिल जाता है, पीछे में 18 इंच, आगे में 19 इंच का आपको एलॉय व्हील मिलता है, और जो टायर हैं वो आपको ट्यूबलेस मिलते हैं, 100, 90, 19 का आगे में ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है, जबकि पीछे में 130 mm का वाइट टायर आपको मिलता है। ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ये पुराने वाले मॉडल से टोटल अलग है, और इसका जो साउंड है वो आपको बुलेट बाइक से भी बेहतर देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो फिटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, ये पीछे वाला जो मडगार्ड आप देख रहे हैं पुराने वाले मॉडल से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये क्लासिक बाइक से भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, आप देख भी सकते हैं। जो टेल लाइट है वो आपको LED में मिल जाती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नंबर प्लेट अब आपकी यहाँ पर लगेगी, और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन स्प्लिट वाली आपको सीट मिल जाती हैं, जो कि क्लासिक से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, काफ़ी लंबी हैं। जो बॉडी पैनल है वो भी चेंज हो चुके हैं, CB350 का लोगो है, होंडा की बैजिंग है, 15.2 लीटर का बड़ा सा यहाँ पर आपको मस्कुलर सा पेट्रोल टैंक मिल जाता है, E20 का अपडेट है। बाकी यहाँ पर आपको थाई पैड भी मिल जाते हैं, आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है, 187 किलोग्राम की ये बाइक है जो कि पहले से भारी हो चुकी है। इसमें 348 cc का इंजन आपको मिलता है एयर कूल्ड वाला, जो आपको 21 bhp की पावर देता है और 29.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करके देता है। साइड में आते हैं तो यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये भी चेंज हो चुका है, जो आपको नई डिजाइन के साथ मिलेगा, 5-speed गियरबॉक्स आपको मिलता है, जिसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच आपको मिलता है। बाकी भाई इसकी जो क्लच है ना वो क्लासिक बाइक से भी काफ़ी लाइट है, हालांकि मैं क्लासिक ही चला रहा हूँ तो उसकी अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, क्योंकि इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है, और इसमें सेमी डिजिटल कंसोल आपको मिल जाता है, और जो मीटर का जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा क्लासिक जैसा इसको बना दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको मिल जाता है, घड़ी आपको मिल जाती है, ओडोमीटर, टर्मीटर और रियल माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, और रेंज वगैरह भी आप देख सकते हैं, 130 से 135 की टॉप स्पीड मिल जाती है, और ये बाइक देती है आपको लोकल में 35 का और हाईवे में 40 से 45 का माइलेज। प्राइस की बात करें तो 1,99,990 रुपये इसकी एक्सोरूम कीमत है डीलक्स वाले मॉडल की, और ये आपको RTO और इंश्योरेंस के साथ ऑन रोड पड़ जाएगी 2,34,000 के आसपास, और इसका जो डीलक्स वाला जो प्रो मॉडल है ये आपको पड़ेगा 2,54,000 के आसपास। तो बाइक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।